हेलो फ्रेंड्स, मैं भरत कटपालिया स्वागत करता हूं आपका किरण प्रकाशन के यूट्यूब चैनल पर। रीजनिंग सब्जेक्ट का टॉपिक आज हम लेंगे। टॉपिक का नाम है एनालॉगी एंड क्लासिफिकेशन। पहले एनालॉगी चैप्टर की बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम क्लासिफिकेशन चैप्टर लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एनालॉगी। व्हाट इज एनालॉगी? एनालॉगी होती क्या है? एनालॉगी का हिंदी का मतलब आप देख सकते हैं यहां पर दिया हुआ है, एनालॉगी मीन्स सादृश्यता। एनालॉगी मीन्स सादृश्यता। एनालॉगी, व्हाट इज एनालॉगी? एनालॉगी होती क्या है? एनालॉगी मीन्स सिमिलैरिटी। व्हाट इज एनालॉगी? एनालॉगी मीन्स सिमिलैरिटी। किसी भी दो चीजों के बीच में कंपैरिजन करना, सिमिलर चीजें देखना, दैट इज एनालॉगी। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एग्जाम में क्वेश्चन कितने टाइप से आ सकते हैं? एग्जाम में बेसिकली थ्री टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन सी टाइप से? नंबर फर्स्ट इज लेटर एनालॉगी, नंबर सेकंड वर्ड एनालॉगी, नंबर थर्ड नंबर एनालॉगी। तो बेसिकली तीन तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेटर एनालॉगी, वर्ड एनालॉगी, नंबर एनालॉगी। बात करें कौन कौन से एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेसिकली एसएससी एग्जाम्स में, रेलवे एग्जाम्स में, आईबी के एग्जाम में क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। एसएससी में बात करें सीएचएसएल में, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, या साथ में बात करें सीपीओ, सीजीएल में इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेंगे। सीजीएल में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है हमारे, पूछे जाते हैं। सीजीएल की अगर बात करें तो दो से तीन क्वेश्चन यहाँ पे आपको सीजीएल में, सीपीओ में मिलेंगे। मतलब अगर बात करें चार से छह नंबर का, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है वहां पे दो मार्क का होता है, चार से छह नंबर का जो है ये हमारा टॉपिक है, इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के हम 15 से 17 क्वेश्चन आज हम लेके चलेंगे एनालॉगी क्लासिफिकेशन। पहले सबसे पहले एनालॉगी के क्वेश्चन लेके चलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि एनालॉगी से जो क्वेश्चन है इसका कोई स्कोप, इसका जो स्कोप है वो बहुत वास्ट है। एनालॉगी से क्वेश्चन कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे एग्जामिनर जो है आपकी इंग्लिश लैंग्वेज चेक करता है, इंग्लिश में आपके सिनोनियम एंटोनियम यहाँ पे पूछे जाते हैं, और अगर बात करें आपकी जनरल नॉलेज चेक की जाती है। जनरल नॉलेज में बेसिकली आपका पॉलिटी का पार्ट या ज्योग्राफी का पार्ट यहाँ पे यूज किया जाता है, या फिर आपकी कॉमन सेंस चेक की जाती है, ठीक है। तो वर्ड एनालॉगी में क्वेश्चन जो है वो कहीं से भी आ सकता है, आपको एग्जामिनर क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है। आपको उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बहुत अच्छे से कमांड बना के रखनी है। जितने क्वेश्चंस हम आपको वीडियोस में दिए जा रहे हैं उस सब में आपको अच्छे से चेक करना है, इन सबको आपको अच्छे से देख लेना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज सिमिलर रिलेशनशिप एज रन इज रिलेटेड टू रेस। कह रहा है निम्नलिखित जोड़े में से किसमें रन और रेस की तरह का संबंध है। रन का मतलब क्या होता है? भागना। रेस मतलब दौड़। तो रन जो है, रेस जो है वो इंपॉर्टेंट है रनिंग के लिए। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रन एंड रेस? रेस इज असेंशियल फॉर एनी रनिंग। ये ऐसे देखते हैं ऑप्शंस हमारे क्या 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 दिए गए हैं। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है पार्टी एंड डांस, क्या देखिए। सेकंड वाला जो है वो असेंशियल है किसके लिए? फर्स्ट वाले के लिए, इसको ध्यान रखना। रेस इज असेंशियल फॉर रनिंग। तो क्या डांस जो है वो असेंशियल है पार्टी के लिए? इज डांस असेंशियल फॉर पार्टी? क्या डांस के बिना पार्टी नहीं हो सकती? डांस के बिना पार्टी की जा सकती है, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन, क्या स्टडी के लिए बुक असेंशियल है? इज बुक इज असेंशियल फॉर स्टडी? पहले के दौर में तो कहा जा सकता था यस बुक इज असेंशियल फॉर स्टडी, बट आज के दौर में वी कैन स्टडी विद द हेल्प ऑफ अवर लैपटॉप, अवर स्मार्टफोन्स, सो नो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। थर्ड ऑप्शन, लेक्चर इज रिलेटेड टू स्टडी। इज स्टडी रिलेटेड टू लेक्चर और असेंशियल फॉर लेक्चर? क्या स्टडी लेक्चर के लिए असेंशियल है? नो जरूरी नहीं है। फोर्थ ऑप्शन हमारा, इज जर्नी असेंशियल फॉर एंजॉय? इज जर्नी असेंशियल फॉर एंजॉय? यस दिस ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
जर्नी जो है वो एंजॉय के लिए असेंशियल है. सो फिफ्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज है, उसको हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है. तो रन इज रिलेटेड टू रेस, रेस जो है वो एसेंशियल है रनिंग के लिए, ऐसे ही जर्नी जो है वो एसेंशियल है किसके लिए, एंजॉय के लिए. सो फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आया, ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए. सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है द फॉलोइंग थ्री वर्ड्स आर अलाइक इन अ सर्टेन मैनर एंड सो फॉर्म ए ग्रुप, विच वन ऑफ द फाइव ऑप्शंस बिलोंग टू द सेम ग्रुप. कह रहा है निम्नलिखित शब्द एक निश्चित प्रकार से एक समान है और एक समूह बनाते हैं, पांच विकल्पों में से कौन सा एक उस समूह में शामिल होता है. आपको यहाँ पे तीन वर्ड दिए गए हैं, आपको बताना है नीचे दिए गए पांच ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इनसे सिमिलर है, इनसे रिलेशन बनाता है. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं. जैसे मैं देख रहा हूं यहाँ पे आपको, देखो वर्ड्स क्या दिए गए हैं, आर्क, चाप, रेडियस, त्रिज्या, सर्कमफ्रेंस, परिधि. ओके, ऑप्शन क्या है हमारे पास, डायगोनल. सबसे पहले तो तीनों वर्ड की बात करें, तीनों वर्ड को अगर हम देखें आर्क, रेडियस एंड सर्कमफ्रेंस, तीनों वर्ड देखते ही हमें एक बात ध्यान आती है कि आर्क, चाप, रेडियस, सर्कमफ्रेंस, ये तीनों के तीनों जो वर्ड है ये सर्कल से रिलेटेड है. ओके, तो मतलब जो हमारा ऑप्शन होगा, जो हमारा आंसर होगा वो भी सर्कल से रिलेटेड होगा. देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें से सर्कल से रिलेटेड है. पहला ऑप्शन डायगोनल, विकर्ण, क्या डायगोनल सर्कल से रिलेटेड है? नो, फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट. क्यूबॉइड, घनाभ, क्या क्यूबॉइड सर्कल से रिलेटेड है, घनाभ? नो. डायमीटर, व्यास, यस, डायमीटर जो है वो सर्कल से रिलेटेड है, डायमीटर इज अ पार्ट ऑफ सर्कल. तो फोर्थ ऑप्शन एंड फिफ्थ ऑप्शन हम इग्नोर कर सकते हैं यहां पे, बिकॉज वी गॉट अवर आंसर. सो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर थर्ड, आर्क, रेडियस और सर्कमफ्रेंस इज अ पार्ट ऑफ ए सर्कल, इज रिलेटेड टू सर्कल, सिमिलरली डायमीटर इज रिलेटेड टू सर्कल. तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर थर्ड. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. देखिए थर्ड क्वेश्चन जो है वो हमारा रिलेटेड है लेटर एनालॉजी से. लेटर एनालॉजी में एक बात का ध्यान रखना, आपको जो 26 लेटर्स हैं, 26 लेटर्स के पोजीशंस जो है आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड से भी, राइट हैंड साइड से भी. सो यहाँ पे जो है आपको लेटर्स दिए हुए हैं, ग्रुप ऑफ लेटर्स दिए हुए हैं, पेयर ऑफ लेटर्स यहाँ पे आपको गिवन है. पेयर ऑफ लेटर्स में आपको गिवन है एफ एंड आई, एफ एंड आई, लेटर एफ एंड लेटर आई. सो लेटर एफ की पोजीशन क्या होती है अल्फाबेट सीरीज में, 6. लेटर आई की पोजीशन क्या होती है अल्फाबेट सीरीज में, 9. एंड यहां पे क्या दिया हुआ है आपको, एल एंड ओ. एल की पोजीशन क्या होती है अल्फाबेट सीरीज में, 12. एंड ओ की पोजीशन क्या होती है अल्फाबेट सीरीज में, 15. अब देखिए कोई संबंध बन रहा है, कोई रिलेशन बन रहा है, लेटर एफ इज 6, लेटर आई इज 9. देखा जाए तो 6 में अगर 3 ऐड कर दिया जाए तो 9. ओके, यहां पे अगर देखा जाए 12 में अगर 3 ऐड कर दिया जाए तो 15. ओके, तो हम देख सकते हैं कि यहां पे भी डिफरेंस 3 है, हेयर द डिफरेंस इज 3 एंड हेयर ऑल्सो द डिफरेंस इज 3. सो आपसे पूछ रहा है कि जिस प्रकार एफ आई संबंधित है एल और ओ से, उसी प्रकार पी एस संबंधित है. ऑप्शंस आर गिवन, ऑप्शंस गिवन है हमें यहां पे, पी और एस, पी एंड एस. पी की अगर पोजीशन देखे, पी की पोजीशन क्या है, 16. एस की पोजीशन 19. सो वहां पे एफ एंड आई, एफ एंड आई में जो डिफरेंस आ रहा था द डिफरेंस वाज 3, एंड हियर एल एंड ओ वहां पे भी जो डिफरेंस आ रहा था उनकी पोजीशन में द डिफरेंस वाज 3. सो वी व्हाट वी वर गेटिंग दैट द डिफरेंस बिटवीन द टू लेटर्स इज सेम 3. एंड हेयर ऑल्सो वी आर गेटिंग दैट पी एंड एस, पी और एस के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो भी क्या आ रहा है, 3 आ रहा है. तो जिस ऑप्शन में लेटर्स की पोजीशन का डिफरेंस 3 आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा. तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन में लेटर के पोजीशन जो है उसका डिफरेंस जो है वो 3 आ रहा है. फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है हमारे को वी एंड वाई, वी की पोजीशन क्या होती है 22, वाई की पोजीशन क्या होती है 25,
ओके तो हमने फर्स्ट ऑप्शन देखा, फर्स्ट ऑप्शन देखा तो 22 एंड 25, वी गॉट दैट द डिफरेंस इज 3। ओके बट एक चीज का ध्यान रखना, आपने देखा कि डिफरेंस जो था वो 3 था, पहले वाले ऑप्शन में भी था, यहां पे भी आपको डिफरेंस 3 दिख रहा है। अब आप सोच के चल रहे हैं कि डिफरेंस 3 होगा वो उसकी बेसिस पे हमारा आंसर आ जाएगा, पर जरूरी नहीं है कि हमारा सोचना जो है वो सही हो। क्या पता है एग्जामिनर डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हो। तो उसके लिए आपको ऐसे क्वेश्चंस में सारे ऑप्शंस को अच्छे से चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर दो ऑप्शन ऐसे मिल गए जिसमें डिफरेंस 3 आया तो हमारे को अपना दिमाग दूसरे तरीके से चलाना पड़ेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हमारे को ऐसा मिला जिसमें डिफरेंस जो है वो 3 आ रहा था। ऐसे ही हम सेकेंड ऑप्शन अगर चेक करें, वी की पोजिशन 22 एंड जेड की पोजिशन 26। वी की पोजिशन यहाँ पे 22 है, जेड की पोजिशन 26 है, क्या डिफरेंस 3 आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया। ओके नेक्स्ट ऑप्शन डब्ल्यू, डब्ल्यू की पोजिशन 23 एंड जेड की पोजिशन 26। W की पोजीशन 23 एंड Z की पोजीशन 26। और अब जैसे आप देख रहे हैं यहां पे, अब बच्चा फंस जाएगा या नहीं फंस जाएगा, फंसेगा या नहीं फंसेगा, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में भी डिफरेंस 3 आ रहा था और इस वाले ऑप्शन में भी डिफरेंस क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। तो हमेशा एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सोचना चाहिए। क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, बट हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के चले वो हमें देखना चाहिए। बस यही डिफरेंस है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर हमारे टीचर बचपन से हमें इस सेंटेंस पे जोर दे रहे हैं, बार बार कह रहे हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो मतलब कहीं ना कहीं इसका कुछ यूज तो होगा। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रैक्टिस के बिना आप कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते, इस बात को आप गांठ मार लीजिए। अगर आपको कोई भी गवर्नमेंट जॉब चाहिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आपको क्लियर करना है, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एंड प्रैक्टिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इन द सब्जेक्ट ऑफ रीजनिंग। जो बच्चा जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेगा वो बच्चा उतना ज्यादा अपना स्कोप बढ़ाएगा, चांस बढ़ाएगा पेपर को क्रैक करने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में भी डिफरेंस 3 आया, थर्ड ऑप्शन में भी डिफरेंस 3 आया, तो मतलब जो हम डिफरेंस को लेके चल रहे थे, हमें उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना चाहिए। हमें अपने यहाँ पे अपने अपने मेथड को, अपने माइंड को दूसरे वे में देखना चाहिए। चलो दूसरे वे में देखते हैं, दूसरे वे में यहाँ पे चेक करते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पे जो है एफ की पोजीशन है 6 और आई की पोजीशन है 9, एल की पोजीशन है 12 एंड ओ की पोजीशन है 15। ओके तो अगर हम एफ को आई से रिलेट नहीं कर रहे, तो शायद क्या पता एफ को हम एल से रिलेट कर रहे हो। अगर एफ का संबंध आई से नहीं देखा जा रहा, मतलब जो दो वर्ड गिवन है उनका आपस में रिलेशन नहीं देखा जा रहा, तो शायद फर्स्ट वाले लेटर का रिलेशन फर्स्ट वाले से देखा जा रहा हो और सेकंड वाले का रिलेशन सेकंड वाले से देखा जा रहा हो। तो देखिए, अगर मैं एफ का रिलेशन एल से देखूं, व्हाट आई गेट दैट द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज 6। अगर एफ में मैं 6 ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाता है? 12 मिल जाता है। ऐसे ही अगर मैं आई में 6 ऐड कर दूं, अगर मैं आई में 6 ऐड कर दूं, तब भी मुझे क्या मिलता है? 15 मिलता है। दूसरा समझ में आया वे? ऐसे यहां पे हम देखें पी एंड एस, यहां पे क्या गिवन है हमारे को? पी और एस, पी एंड एस। हमें बताना है पी और एस का जो है वो कौन सा ऑप्शन आंसर होगा। ओके तो पी की पोजीशन क्या होती है? 6। अगर डिफरेंस 6 लेके चले, अगर मैं पी में 6 ऐड कर दूं, P में 6 अगर मैं ऐड करता हूं तो क्या आना चाहिए? 22 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 22 आना चाहिए। हाँ, अगर मैं P में 6 ऐड कर रहा हूं तो आना चाहिए 22। अब बात यह आती है 22 पोजीशन पे कौन सा लेटर होता है? 22 पोजीशन पे कौन सा लेटर होता है? लेटर इज V। ओके S, S की पोजीशन क्या है? 19। अगर मैं S में 6 ऐड करता हूं, अगर मैं एच में 6 ऐड करता हूं, 19 में अगर मैं 6 ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए? 25 मिलना चाहिए। अब 19 में 6 ऐड करके 25 मिलना चाहिए, तो मतलब वी के साथ क्या आना चाहिए? वाई आना चाहिए। तो हमें ऑप्शंस देखने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहां पे हमें जैसे ही हमें रिलेशन मिला, हमने देखा कि यहां पे क्या आना चाहिए? वी और वाई आना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके क्लियर?
चलिए समझ में आ रहा है आप सबको, समझ में आ रहा है तो चलिए फटाफट बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहां पे वर्ड एनालॉजी यूज किया गया है, कह रहा है ग्राम इज रिलेटेड टू मास, यहां पे लेके चला गया है आपको जनरल नॉलेज की तरफ, ग्राम इज रिलेटेड टू मास। अब बताइए ग्राम का रिलेशन क्या है मास से, कह रहा है जिस प्रकार ग्राम संबंधित है द्रव्यमान से, ग्राम और द्रव्यमान में क्या संबंध होता है कि ग्राम इज अ यूनिट ऑफ मास। तो कह रहा है सेंटीमीटर इज रिलेटेड टू, कह रहा है उसी प्रकार सेंटीमीटर संबंधित है किससे, सेंटीमीटर किससे संबंध होगा। पहला ऑप्शन दे रहा है एरिया, दूसरा ऑप्शन आपको दिया जा रहा है वॉल्यूम, तीसरा ऑप्शन आपको दिया जा रहा है लेंथ, चौथा ऑप्शन आपको दिया जा रहा है साउंड, पांचवा ऑप्शन आपको दिया जा रहा है एनर्जी। तो ग्राम इज अ यूनिट ऑफ मास, सिमिलरली सेंटीमीटर इज अ यूनिट ऑफ, जी हाँ बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सेंटीमीटर किसकी यूनिट है, लेंथ की यूनिट है, लंबाई की यूनिट है। तो कई बार हमारे को एग्जाम में इजी क्वेश्चन भी मिल जाते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, जनरल नॉलेज का रिलेटेड क्वेश्चन था, एक नंबर आराम से आप इसमें प्राप्त कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा देख लीजिए, फिफ्थ क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए आपको वर्ड दिया गया है डी, कह रहे डीन इज रिलेटेड टू एनडीए। सबसे पहले हमें चेक करना पड़ता है कि भाई कौन सी टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो यहां पे आप सिमिलर सिंपली देख सकते हैं कि क्वेश्चन जो है वो कौन सी टाइप से पूछा गया है, लेटर एनालॉजी से पूछा गया है। बट यहां पे हम देखा जाए तो ये लेटर एनालॉजी में भी सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन है, क्यों, डीन वर्ड को रिलेट कर दिया गया है एनडीए से। यहां पर अगर ध्यान से देखे डीन वर्ड, जो वर्ड आपको दिया गया है डीन, इसका रिलेशन किससे बनाया गया है, एन डी ए ई से। एक चीज आप यहां पे देख सकते हैं कि जो लेटर यहां पे यूज किया जा रहा है फर्स्ट वर्ड में, जो मीनिंगफुल वर्ड है, वही सेम लेटर्स यहाँ पे यूज किए जा रहे हैं जो उसका यहां पे कोडिंग की जा रही है उसमें। तो मतलब यहां पे लेटर्स की पोजीशन अल्फाबेट सीरीज की नहीं देखी जा रही है, लेटर्स की पोजीशन इस वर्ड की देखी जा रही है। तो हमें यहाँ पे लेटर्स को पोजीशन डालनी पड़ेगी इस वर्ड के अकॉर्डिंग। इस वर्ड के अकॉर्डिंग अगर देखे तो वर्ड में डी की पोजीशन क्या है, फर्स्ट पोजीशन है, ई की पोजीशन क्या है, फिफ्थ पोजीशन है, सॉरी ई की पोजीशन यहाँ पे वर्ड में क्या है, सेकेंड पोजीशन है, ए की पोजीशन थर्ड पोजीशन है, एंड एन की पोजीशन फोर्थ पोजीशन है। क्लियर, देखिए जो लेटर डी था फर्स्ट पोजीशन में था वो कौन सी पोजीशन में चला गया, यहाँ पे मैं पोजीशन लिख रहा हूं जो उनकी ओरिजिनल वर्ड में थी, फर्स्ट पोजीशन वाला कहां पे आ गया, दिख रहा है सेकंड पोजीशन पे। जो लेटर ई सेकंड पोजीशन पे था वो कहां चला गया, फोर्थ पोजीशन पे चला गया। जो लेटर ए थर्ड पोजीशन पे था वो कहां है, थर्ड पोजीशन पे ही है, और जो फोर्थ पोजीशन पे था वो कहां आ गया, फर्स्ट पोजीशन पे आ गया। क्लियर, पोजीशन जो मैंने लिखी है अकॉर्डिंग टू द ओरिजिनल वर्ड लिखी है। तो ऐसे ही नेक्स्ट वर्ड हमें दे रहा है रोड, देखते हैं क्या सेम यहां पे ट्रिक लग रही है रोड। देखिए यहां पे आपको अगर सेकंड वर्ड दिया गया है तो यहां पे आपको अपने आप को वेरीफाई करना चाहिए, बिना आगे देखे हम यहां पे अपने आप को वेरीफाई करते हैं। यहां पे रोड में अगर देखे तो फर्स्ट पोजीशन पे आर है, सेकंड पोजीशन पे ओ है, थर्ड पोजीशन पे ए है, फोर्थ पोजीशन पे डी है। ओके, अगर इसका हम अगर यहां पे कोड बनाते हैं तो क्या होना चाहिए, फर्स्ट पोजीशन वाला कहां जाना चाहिए, सेकंड पोजीशन पे जाना चाहिए। तो मतलब आर जो है वो सेकंड पोजीशन पे आ जाना चाहिए, सेकंड पोजीशन पे यहां पे आर आ जाना चाहिए। ओके, सेकेंड पोजीशन वाला कहां जाना चाहिए, फोर्थ पोजीशन पे जाना चाहिए, तो ओ यहां पे आ जाना चाहिए। थर्ड पोजीशन वाला थर्ड पोजीशन पे ही रहना चाहिए, और फोर्थ पोजीशन वाला फर्स्ट पोजीशन पे होना चाहिए। और सेम हम देखो वेरीफाई कर सकते हैं, सेम हम यहां पे दिया जा रहा है कि रोड किससे रिलेटेड है, डी आर ए ओ से रिलेटेड है। तो अब क्वेश्चन पे फटाफट देखते हैं, अब हमारे को एक दो सेकंड के अंदर आंसर दिख जाना चाहिए। कह रहा है सिमिलरली सम इज रिलेटेड टू, हमें ऑप्शंस देखने की जरूरत नहीं है, सम इज रिलेटेड टू। जो बच्चा कंसेंट्रेशन बना के रखेगा फटाफट देखेगा फर्स्ट वाला कहां चला जाना चाहिए, चार अगर ऑप्शन है फर्स्ट वाला कहां चला जाना चाहिए, सेकंड पोजीशन पे चला जाना चाहिए। ओके, सेकंड वाला कहां चला जाना चाहिए, फोर्थ पोजीशन पे चला जाना चाहिए, थर्ड वाला थर्ड पे रहना चाहिए, और फोर्थ वाला फर्स्ट पोजीशन पे आ जाना चाहिए। तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, पांच ऑप्शन दिए गए हैं, पांच ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन में हमें ये दिया जा रहा है, ई एस एम हो दे सकते हैं, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आई थिंक आप सबको बहुत आसानी से इस क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में आसानी होगी, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। पांच क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, द क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, विच इज रिलेटेड टू अगेन लेटर एनालॉजी। यहाँ पे कह रहे हैं बी एफ का संबंध है किस से, आई एंड एम से। फटाफट इनकी पोजिशन डाल दीजिए, बी की पोजिशन सेकेंड, एफ की पोजिशन 6, आई की पोजिशन से 9, एम की पोजीशन 13। देखिए कोई रिलेशन बन रहा है, देखा जाए तो 2 एंड 6 डिफरेंस 4 आ रहा है, यहाँ पे भी डिफरेंस 4 आ रहा है। ओके, एच एंड एल आगे जो वर्ड दिया गया है, एच एंड एल कह रहा है बी एंड एफ इज, बी एफ इज रिलेटेड टू आई एम इन द सेम वे एज एच एल इज रिलेटेड टू बी एफ। जिस प्रकार आई एम से संबंधित है उसी प्रकार एच एल किससे संबंधित है। तो यहाँ पे हमने देखा कि बी की पोजीशन 2, एफ की पोजीशन 6, डिफरेंस आया 4, आई की पोजीशन 9, एम की पोजीशन 13, डिफरेंस आया 4, एच की पोजीशन 8, एल की पोजीशन 12, डिफरेंस अगेन आया 4। तो हमें देखना पड़ेगा वो ऑप्शन जिसमें दो लेटर्स के बीच में डिफरेंस क्या आ रहा हो, 4 आ रहा हो। पी की पोजीशन फर्स्ट ऑप्शन, पी की पोजीशन 16, टी की पोजीशन 20, डिफरेंस क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। डिफरेंस तो 4 आ रहा है, बट जरूरी नहीं है कि एग्जामिनर हमारे माइंड से ही चल रहा हो, तो हमें आगे भी चेक करना चाहिए ऐसा कोई दूसरा ऑप्शन तो नहीं है जिसमें डिफरेंस 4 आ रहा हो। क्योंकि सोचने वाली बात है, अगर एक ऑप्शन और ऐसा मिल गया जिसमें दो लेटर्स के बीच में डिफरेंस 4 आ रहा है, तो दो ऑप्शन को हम इकट्ठे कैसे टिक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो बोथ का वाला ऑप्शन कोई दिया ही नहीं गया। तो फटाफट चेक कर लेते हैं, एन की पोजिशन 14, आर की पोजिशन 18, देखिए हो गई बात। सेकेंड ऑप्शन में ही हम देख सकते हैं कि एन और आर इनके बीच में भी डिफरेंस जो आ रहा है वो 4 आ रहा है, तो 4 आंसर कैसे हो सकता है। तो मतलब लेटर्स के बीच में आपस में रिलेशन नहीं देखा जा रहा है, तो मतलब हमारे को दूसरे वे में देखना चाहिए, लेटर्स में आपस में रिलेशन ना देख के हमें दूसरे वे में इसमें सोचना चाहिए। तो हम बी को अब यहाँ पे चेक करेंगे किससे, 9 से। बी को अगर आई से चेक कर रहे हैं तो मतलब 2 में 9 नंबर आना है, तो कितना ऐड करना पड़ेगा, 7। ऐसे ही अगर मुझे एफ को एम बनाना है तो मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा, 7। 6 + 7 = 13। तो यहां पे हम देखते हैं कौन से ऑप्शन में, पहले तो यहां पे देखिए एच और एल, एच और एल यहां पे गिवन है, तो अगर मैं एच में 7 ऐड कर दूं, 8 में अगर मैं 7 ऐड करता हूं तो आता है 15, मतलब मुझे फर्स्ट लेटर क्या चाहिए, ओ। ओ गिवन है, यस। दो ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें ओ गिवन है, ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर फोर, दोनों ऑप्शन में ओ गिवन है। देन एल, एल की पोजीशन क्या होती है, एल की पोजीशन क्या होती है, 12। 12 में मुझे कितना ऐड करना है, 12 में मुझे ऐड करना है 7। 12 में 7 ऐड कर दूं तो क्या आता है, 19। 19 पोजीशन पे कौन सा लेटर आता है, एस, तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। दैट मीन्स आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। समझ में आया सबको, चलिए चलते हैं आगे। होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को हमारे लेक्चर जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहें। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम चलते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेम रिलेशनशिप एज दैट ऑफ जे एल के एम, जे एल इज रिलेटेड टू के एम। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन वैसा ही संबंध दर्शाता है जिस प्रकार JL और KM दर्शाता है। फटाफट इनकी पोजीशन डाल दीजिए, J की पोजीशन 10, L की पोजीशन 12, K की पोजीशन 11, M की पोजीशन 13। तो देखा जाए तो इनके बीच में डिफरेंस 2 आ रहा है। अगर मैं J को K से देखूं रिलेशन, तो J के बाद क्या आता है, J से नेक्स्ट लेटर क्या आता है, K आता है, एंड L से नेक्स्ट लेटर क्या आता है, M आता है। जैसे में मतलब J में अगर मैं 1 ऐड कर दूं तो K आ जाएगा, और L में अगर 1 ऐड कर दूं तो M आ जाएगा। ऐसे ही मैं ऑप्शंस देखूं, क्या मैं आर, आर की पोजीशन होती है 18, आर में 1 ऐड करूं तो यू आएगा, नो, यू की पोजीशन क्या होती है 22, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। ई ई ई की पोजीशन होती है 5, 5 में 1 ऐड करूं तो 7 आएगा, नहीं आएगा, सेकंड ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। 3, सी की पोजीशन क्या होती है 3, और ओ की पोजीशन क्या होती है 15, 3 में 1 ऐड करने पे क्या मुझे
15 मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, देखा जाए तो ये थर्ड ऑप्शन भी क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। अगर थर्ड ऑप्शन भी गलत हो रहा है तो यहाँ पे देखें ना, फर्स्ट ऑप्शन सही हुआ, ना सेकंड ऑप्शन सही हुआ, ना थर्ड ऑप्शन सही हुआ, तो क्या हम इसका आंसर निर्धारित नहीं कर सकते? निर्धारित तो किया जा सकता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको ऑप्शंस गिवन है उसमें ट्रिक वो नहीं लग पा रही जो ट्रिक आपको ऊपर गिवन है, तो कभी भी आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड नहीं होगा। कैन नॉट बी डिटरमाइंड मतलब निर्धारित नहीं किया जा सकता, आंसर तब पता चलेगा जब ऊपर वाली ट्रिक ही हमें समझ में ना आ रही हो। चलिए, आपको क्वेश्चन समझ में आया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो वर्ड एनालॉजी से रिलेटेड है। क्वेश्चन कह रहा है इफ नेल इज रिलेटेड टू नेल कटर, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। नेल मतलब नाखून, किससे संबंध कर रहा है? नेल कटर से। कह रहा है इन द सेम वे हेयर इज रिलेटेड टू, बड़ी सिंपल सी बात है, नेल नाखून को काटने के लिए नेल कटर का यूज किया जाता है। सिमिलरली हेयर बाल काटने के लिए किसका यूज किया जाता है? कैंची का यूज किया जाता है, सीजर का यूज किया जाता है, वेरी सिंपल। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अ ट्रेवलर इज रिलेटेड टू जर्नी इन द सेम वे एज सेलर इज रिलेटेड टू। ट्रेवलर मीन्स यात्री, जर्नी मीन्स यात्रा, यात्री क्या करता है? यात्रा करता है। सेलर मतलब नौ सैनिक, नौ सैनिक क्या करता है? पानी में यात्रा करता है, तो पानी में अगर यात्रा करता है तो कौन सा वर्ड यहां पे दिया गया है? वर्ड उसको इंग्लिश में क्या जाता है? वोयेज। इसको ध्यान रखना, आपकी वोकैब से रिलेटेड है, सेलर इज रिलेटेड टू वोयेज। वोयेज का मतलब हमारे को पता चलना चाहिए, वोयेज मीन्स जल यात्रा, वोयेज को क्या कहा जाता है? जल यात्रा, ठीक है। सो सेलर इज रिलेटेड टू वोयेज, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4th। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे आपको डायरेक्शंस दी गई है क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 में। कह रहा है स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन टू आंसर द गिवन क्वेश्चंस। कह रहा है दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित जानकारी पढ़िए। ओके, लेटर एनालॉजी हम यहाँ पे देख सकते हैं क्योंकि लेटर्स का यूज किया गया है। उसमें भी हम देखें तो आज हमने दो टाइप के क्वेश्चन देखे हैं। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन की यहाँ पे बात की जा रही है। सिंपली हम देख सकते हैं फ्लॉप इज रिलेटेड टू OPFL, तो फ्लॉप का संबंध बनाया OPFL से। बड़ा सिंपली हमें देखते समझ में आ रहा है कि फर्स्ट टू लेटर्स को लास्ट टू पोजीशन पे ले गए, फिर लास्ट टू लेटर्स को फर्स्ट टू पोजीशंस पे ले आए, सिंपली हमें समझ में आ रहा है। ओके, बट सेकंड वर्ड अगर हम देखें तो दिया हुआ है सेकंड। यहाँ पे जो फर्स्ट वर्ड में जो लेटर्स की नंबर ऑफ लेटर्स थे, वो सेकेंड वर्ड में जो नंबर ऑफ लेटर्स है वो जो है वो सेम नहीं है। ओके, अगर सेम नहीं है तो हम देख सकते हैं, अगर मैं फर्स्ट वर्ड को दो इक्वल पार्ट में बांट दूं तो फर्स्ट पार्ट को कहाँ ले गया? ये सेकंड पार्ट में ले गया, और सेकंड पार्ट को कहाँ ले गया? ये फर्स्ट पार्ट में ले गया। सिमिलरली सेकंड वर्ड को अगर मैं दो इक्वल पार्ट में पार्ट दूं तो फर्स्ट पार्ट को कहाँ ले गया? ये लास्ट पार्ट में ले गया, और लास्ट पार्ट को कहां ले आया? ये फर्स्ट पार्ट में ले आया। तो ऐसे ही वर्ड हमारे को गिवन है मिक्सचर। मिक्सचर में कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7। मिक्सचर वर्ड में कितने लेटर्स हैं? 7 लेटर्स हैं। तो कोई बात नहीं है, अगर 7 लेटर्स है तो इसको फोर्थ लेटर को हम छोड़ देते हैं। तो मतलब जो फर्स्ट 3 लेटर्स हैं वो कहाँ चले जाएंगे? लास्ट में चले जाएंगे, और लास्ट 3 लेटर्स कहाँ जाएंगे? शुरू में आ जाएंगे। फर्स्ट 3 लेटर्स लास्ट में किस में नजर आ रहे हैं? इसमें नजर आ रहे हैं, इसमें भी नजर आ रहे हैं, और लास्ट 3 लेटर्स शुरू में किस में नजर आ रहे हैं? इसमें नहीं नजर आ रहे हैं, इसमें नजर आ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 3rd क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा। 10th क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 3rd। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम जैसे डायरेक्शंस आपको क्वेश्चन नंबर 10 में दी थी, वे सेम डायरेक्शंस यहाँ पे गिवन है। वर्ड आपको गिवन है यहाँ पे एक्सट्रीम्स। एक्सट्रीम वर्ड में देखिए कितने लेटर हैं यहाँ पे? एक्सट्रीम्स वर्ड गिवन है। एक्सट्रीम्स वर्ड में कितने लेटर्स हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8। वाओ, 8 लेटर्स है, तो मतलब 4 लेटर्स, 4 लेटर्स ईच कर देंगे। तो फर्स्ट 4 लेटर्स, फर्स्ट 4 लेटर्स कहाँ जाने चाहिए? लास्ट 4 में। कौन से ऑप्शन में आ रहा है? फर्स्ट ऑप्शन में किया जा रहा है, यस किया जा रहा है। सेकेंड ऑप्शन में? नो। थर्ड ऑप्शन में? नो। तो मतलब कौन सा? सेकंड सेकंड पार्ट भी चेक कर लीजिए। कैन नॉट बी डिटरमाइन भी गिवन है, नन ऑफ दिस भी गिवन है। तो यहाँ पे हम इसको सिर्फ आधे पार्ट को देख के फर्स्ट ऑप्शन को टिक नहीं कर सकते। EMES, क्या EMES फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है? फर्स्ट पोजीशन पे, यस गिवन है। तो अब आप फर्स्ट ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग वुड फॉल इन द सेम कैटेगरी ऑफ डिजास्टर्स।
साफ साफ बता रहा है कि सेम कैटेगरी ऑफ डिजास्टर्स एज अर्थक्वेक, साइक्लोन्स एंड वोल्केनिक इरप्शंस। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन विनाशकारी घटनाओं जैसे भूकंप, चक्रवात तथा ज्वालामुखी विस्फोट आदि की श्रेणी में आता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अर्थक्वेक, साइक्लोन एंड वोल्केनिक इरप्शन, तीनों में सिमिलैरिटी आई थिंक आपको समझ में आ रही होगी। देखते हैं ऑप्शंस, ग्लोबल वार्मिंग, फ्लड्स, ऑयल स्पिन, एक्सीडेंट्स, वैश्विक उष्मा, बाढ़, तेल रिजर्व, दुर्घटनाएं। तो अर्थक्वेक, साइक्लोन एंड वोल्केनिक इरप्शन बहुत आसानी से आप समझ रहे हैं, दे ऑल आर नेचुरल हजार्ड्स। सिमिलरली आउट ऑफ द गिवन फोर ऑप्शन ओनली फ्लड इज, बाढ़ इज द ऑप्शन विच इज ए नेचुरल हजार्ड। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12th का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 क्या कह रहा है? स्टडी द गिवन इंफॉर्मेशन टू आंसर द गिवन क्वेश्चंस। दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़िए। ट्रेवल इज रिलेटेड टू UDKUSB, ओके, एंड कॉर्नर इज रिलेटेड टू MDQDPS। ट्रेवल का संबंध UDKUSB से है और कॉर्नर का संबंध MDQDPS से है। ओके, तो सर्वे इज रिलेटेड टू, सर्वे का संबंध, ऑप्शंस गिवन है, फटाफट देखिए ट्रेवल वर्ड, क्योंकि यहाँ पे ट्रेवल वर्ड के जो लेटर्स हैं आपको कोड में गिवन नहीं है, तो आप फटाफट इनको लेटर्स को इनके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पोजीशन डालिए। टी की पोजीशन 20, आर की पोजीशन 18, ए की पोजीशन 1, वी की पोजीशन 22, ई की पोजीशन 5 एंड एल की पोजीशन 12। ऐसे यू की पोजीशन 22, डी की पोजीशन 4, आई के की पोजीशन 11, यू की पोजीशन 22, एस की पोजीशन 19, बी की पोजीशन 2। सो देखा जाए तो देखें फटाफट, टी को अगर मुझे चेक करना है तो टी में देखूं तो टी के आसपास यू दिख रहा है मुझे, टी में 2 ऐड कर दूं तो यू आता है, बट प्रॉब्लम इज 18 में अगर 2 ऐड करूं तो डी नहीं आता है। ओके, सो मैं टी का रिलेशन नेक्स्ट वाले यू से बना के देखता हूँ। टी का रिलेशन अगर मैं नेक्स्ट वाले यू से बनाऊं, सॉरी 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 सॉरी, यू की पोजीशन यहाँ पे क्या होगी? 21। यू की पोजीशन क्या होती है? 21। 22nd पोजीशन पे क्या आता है? वी आता है। सो टी में अगर 1 ऐड कर दे तो यू आता है। और बट 18 में और 4 में डिफरेंस ज्यादा हो गया। सो दूसरे वाले यू से अगर देखे, टी में अगर 1 ऐड कर दे तो यू आ जाएगा, 18 में अगर 1 ऐड कर दे तो 19 आ जाएगा, 1 में अगर 1 ऐड कर दे तो 2 आ जाएगा। तो मतलब इन तीनों में 1 1 ऐड कर दे तो हमें ये तीन मिल जाते हैं। ओके, सिमिलरली अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या हो रहा है, वी में हमें 1 माइनस करना पड़ेगा, इधर क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस करना पड़ेगा। तो मतलब फर्स्ट हाफ में क्या हो रहा है? +1 हो रहा है, और सेकेंड हाफ में क्या हो रहा है? -1 हो रहा है। 22 में 1 माइनस किया 21 आया, 5 में 1 माइनस किया 4 आया, एंड 12 में 1 माइनस किया तो 11 आया। ओके, सिमिलरली कॉर्नर वर्ड, कॉर्नर वर्ड में भी फटाफट चेक करते हैं क्या सेम हो रहा है। कॉर्नर वर्ड में देखिए यहाँ पे सी में अगर मैं 1 ऐड करूं तो क्या डी मिल रहा है? यस मिल रहा है। ओ में 1 ऐड करूं तो पी मिल रहा है? यस मिल रहा है। आर में 1 ऐड करूं तो क्या एस आ रहा है? आ रहा है, यस। तो मतलब यहाँ पे सेम वर्ड चल रहा है, सेम कंसेप्ट चल रहा है। फटाफट नेक्स्ट हाफ भी चेक कर लीजिए, एन में अगर 1 माइनस करे तो एम मिल रहा है? यस मिल रहा है। ई में अगर 1 माइनस करे तो क्या डी आ रहा है? यस आ रहा है। आर में 1 माइनस करे तो क्या क्यू आ रहा है? यस आ रहा है। ओके, तो सिमिलरली यहाँ पे फटाफट हम आंसर देते हैं। सर्वे में एस में क्या करना पड़ेगा? एस में मुझे +1 करना पड़ेगा। एस में +1 करते हैं तो मुझे क्या मिलना चाहिए? एस में +1 करते हैं तो क्या मिलना चाहिए? टी मिलना चाहिए। कौन सी पोजीशन पे मिलना चाहिए? फोर्थ पोजीशन पे मिलना चाहिए। फोर्थ पोजीशन पे टी है? नहीं है, गलत। फोर्थ पोजीशन पे टी है? यस। फोर्थ पोजीशन पे टी है? नहीं है। फोर्थ पोजीशन पे टी है? यस। दीज टू कुड बी अवर आंसर। फटाफट दोनों ऑप्शन में डिफरेंस देख लीजिए। नेक्स्ट देखे तो फिफ्थ पोजीशन देखते ही हम देख सकते हैं। ओके, एक ऑप्शन मैंने छोड़ दिया, फिफ्थ ऑप्शन। फिफ्थ ऑप्शन में क्या फोर्थ पोजीशन पे टी है? नो, यहाँ पे फोर्थ पोजीशन पे टी नहीं है, तो ये क्या हो गया? गलत ऑप्शन हो गया। ओके, तो सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन में फोर्थ ऑप्शन पे टी आ रहा है, और देखा जाए तो फिफ्थ पोजीशन पे दोनों में ये अलग अलग लेटर दिए हुए हैं, मतलब हम इन दोनों में फटाफट डिफरेंस देख सकते हैं। तो सेकंड लेटर देखिए यू, यू में अगर मैं 1 ऐड करता हूँ तो क्या आता है? वी आता है। तो मतलब सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो चार ऑप्शन अगर गलत हो गए तो ये जो बचा हुआ ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा? मेरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
ओके, सेम कंसेप्ट पे ग्रुप्स वर्ड का आपको कोड बताना है क्या होगा. सो जैसे पहले किया वैसे ही अभी करना पड़ेगा. तो जी जी की पोजीशन क्या होती है, सेवन. सेवन में अगर मैं वन ऐड करूं तो क्या आना चाहिए, एट. फोर्थ पोजीशन पे मुझे क्या मिलना चाहिए, एच मिलना चाहिए. तो फोर्थ पोजीशन पे एच आ रहा है, यस दिस कुड बी अवर आंसर. फोर्थ पोजीशन पे एच आ रहा है, नहीं आ रहा. क्या फोर्थ पोजीशन पे एच आ रहा है, नहीं आ रहा. क्या फोर्थ पोजीशन पे एच दिख रहा है, यस दिस कुड बी अवर आंसर. क्या फोर्थ पोजीशन पे एच दिख रहा है, नो. अब दोनों में डिफरेंस देखिए, HSP HSP दोनों में सेम है तो इसको छोड़ दीजिए. आगे देखिए डिफरेंस का मिल रहा है हमें, फर्स्ट लेटर में टी यहां पे दिया हुआ है, यहां पे दिया हुआ है आर. तो देखिए यू, यू की पोजीशन क्या होती है, 21. इसमें क्या करना है, वन माइनस करना है. 21 में वन माइनस करना तो क्या आना चाहिए, 20 आना चाहिए. टी की पोजीशन क्या होती है, 20. तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा. तो 14th क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर वन. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स हैव द सेम रिलेशनशिप एज फैन इज रिलेटेड टू हीट. कह रहा है जैसे फैन हीट से रिलेटेड है, इनके बीच में क्या संबंध हुआ, फैन मतलब पंखा, हीट मतलब गर्मी, तो पंखा में गर्मी से बचाता है. ओके, वेरी सिंपल. तो ऐसे ऑप्शन दिए हुए हैं कि कौन से ऑप्शन में आंसर क्या होगा, वाटर ड्रिंक, लाइट नाइट, टीच स्टूडेंट, एयर ब्रीथ, फूड हंगर. तो ऑप्शंस देखते हैं, हम पास देख सकते हैं, जैसे हमें पंखा गर्मी से बचाता है वैसे ही हमें खाना जो है, फूड जो है, वो हमें भूख से बचाता है. तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16. कह रहा है अर्न इज रिलेटेड टू रेन एंड बॉन्ड इज रिलेटेड टू NODB. मतलब यहाँ पे साफ साफ आप देख सकते हैं, फटाफट लेटर्स के पोजीशंस को क्या किया जा रहा है, चेंज किया जा रहा है वर्ड के अकॉर्डिंग, वर्ड की पोजीशंस के अकॉर्डिंग. ओके, EARN, यहाँ पे E की पोजीशन 1, A की पोजीशन 2, E की R की पोजीशन 3rd एंड N की पोजीशन 4. तो इनको क्या कर दिया, EARN. E को हम ले गए कहाँ पे, फोर्थ पोजिशन पे. A को हम ले गए सेकेंड पोजिशन पे. आर को हम ले गए फर्स्ट पोजीशन पे एंड एन को हम ले गए थर्ड पोजीशन पे. ऐसे ही बॉन्ड में, BOND, बॉन्ड. तो यहां पे अगर चार पोजीशन बनाए तो यहां पे क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए. ओ कहां पे आना चाहिए, यहां पे आना चाहिए. एन कहां पे आना चाहिए, यहां पे आना चाहिए. डी यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे सेम आपको गिवन है, NODB. कह रहा है इन द सेम वे एज टीयर इज रिलेटेड टू, टीयर का रिलेशन बताना है तो वर्ड क्या गिवन है, टीयर. ऑप्शंस को छोड़िए, यहीं से हम बना लेंगे इसको टीयर. तो टी कहाँ आ जाएगा, लास्ट पोजीशन पे. ई कहाँ आ जाएगा, सेकंड पोजीशन पे. ए कहाँ आ जाएगा, फर्स्ट पोजीशन पे. एंड आर कहाँ आ जाएगा, थर्ड पोजीशन पे. तो कौन सा ऑप्शन सेम दिख रहा है हमारे को, AERT. कौन सा ऑप्शन सेम दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन. तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट. चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17. कह रहा है राइटिंग इज रिलेटेड टू पेन, राइटिंग का रिलेशन जो है वो पेन से है. बताओ, सिंपल सी बात है, पेन का यूज किया जाता है राइटिंग के लिए. कह रहा है इन द सेम वे एज, ओके बताना है कौन सा ऑप्शन जो है ठीक होगा. सिंगिंग इज रिलेटेड टू म्यूजिक, स्टिचिंग इज रिलेटेड टू नीडल, डांसिंग इज रिलेटेड टू एक्सरसाइज, कारपेंटर इज रिलेटेड टू टूल्स एंड पेपर इज रिलेटेड टू बुक. ओके, राइटिंग इज रिलेटेड टू पेन, राइटिंग का रिलेशन है पेन से, लिखने के लिए पेन का यूज किया जाता है, इसीलिए सिलाई के लिए सुई का यूज किया जाता है. तो ऑप्शन नंबर सेकेंड जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा. चलिए, तो ये थे आज अच्छे हमारे क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट एनालॉगी से रिलेटेड. आशा करता हूँ आपको जो है ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं. ये सारे के सारे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम आपको आगे भी आपको प्रोवाइड करते रहेंगे. तो अपनी कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, ऐसी तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चैनल को प्लीज़ नीचे जो आपको सब्सक्राइब वाला ऑप्शन दिख रहा है सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको लाइक कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर लीजिए. चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ. ओके, टाटा बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू.